Hello student, today we learn lesson number 8, sound in the middle of words. Subject English, class first. Student, आज हम जो words पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में जो sound आते हैं, वह हम आज पढ़ेंगे. Lesson शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, यू नो अबाउट अल्फाबेट. देयर इज 26 अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट्स वोवेल्स एंड सेकंड पार्ट्स कंसोनेंट. स्टूडेंट, आपको तो अल्फाबेट के बारे में पता ही है. अल्फाबेट 26 होते हैं और वह टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है वोवेल्स एंड सेकंड है कंसोनेंट. वोवेल्स जो कि 5 रहते हैं और बचे हुए 21 कंसोनेंट है. तो अभी हम वोवेल्स के बारे में जानेंगे. वह है ए, ई, आई, ओ, यू. यह 5 वॉवल्स है. इन वॉवल्स का यूज करके हम वर्ड्स तैयार करेंगे. तो आइए अब हम वर्ड्स तैयार करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. राइट ए इन ईच मिडल स्क्वायर. यहाँ पे 5 स्क्वायर दिए हुए हैं. इन 5 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर जो कि ब्लैंक है, उस ब्लैंक स्क्वायर में हमें क्या लिखना है? ए, यह अल्फाबेट लिखना है. ए क्या है? ए यह वोवेल्स है. उस वोवेल्स को हमें इस बचे रिक्त स्थान में, यानी जो बचा हुआ स्क्वायर है, उस स्क्वायर में लिखना है. तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे ए. ए लिखने के बाद यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स तैयार होते हैं, जैसे बी ए जी. बी ए जी, बी ए जी क्या होता है? बी ए जी बैग. बैग यानी हमारा थैला. एक दूसरा वर्ड तैयार होता है सी ए टी. सी ए टी कैट. कैट यानी बिल्ली जो कि हमारे घर में रहती है. यानी यहाँ पे 2 मीनिंगफुल वर्ड तैयार हुए हैं. पहला है बी ए जी बैग और दूसरा है सी ए टी कैट. अभी दूसरा पिक्चर देखते हैं. दूसरे पिक्चर में कितने स्क्वायर है? 5. 5 में से 4 स्क्वायर में अल्फाबेट लिखे हुए हैं और 1 स्क्वायर में अल्फाबेट नहीं है. तो उसमें हमें क्या लिखना है? कौन सा अल्फाबेट लिखना है? ए. ए फॉर एप्पल का ए लिखना है यहाँ पे. ए यह क्या है? वोवेल्स है. और वोवेल्स लिखने के बाद हमें जो मीनिंगफुल वर्ड्स तैयार करने हैं वो देखने हैं कि कौन से वर्ड्स तैयार हुए हैं. जैसे कि अभी देखते हैं ऊपर में क्या है, जे, नीचे में ए और उसके नीचे यम. तो जे ए यम, जे ए यम क्या होता है? जाम. क्या होता है? जाम. ठीक है, ये पहला वर्ड्स तैयार हुआ. दूसरा वर्ड्स देखते हैं जो कि आड़े में है. एफ ए टी, एफ ए टी, एफ ए टी क्या होता है? फैट. फैट यानी जो मोटा, जिसे हम मोटा बोलते हैं, जो कोई आदमी रहता है मोटा आदमी बोलते हैं ना हम, हाँ उसी तरीके से उसे क्या बोलते हैं? फैट. तो यहाँ पे 2 वर्ड तैयार हुए हैं. पहला है जैम, जे एम जैम, और दूसरा है एफ ए टी फैट. क्वेश्चन नंबर 2. राइट ई आई ओ यू इन द प्रॉपर बॉक्सेस. यानी हमें ई आई ओ यू, ये जो 4 वोवेल्स है, वो 4 वोवेल्स वो दिए हुए बॉक्सेस में हमें लिखना है, जो भी प्रॉपर ऑर्डर में. अब हम देखते हैं फर्स्ट बॉक्सेस. ठीक है, यहाँ पे 4 स्क्वायर दिए हुए हैं, 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर है जो भी जो कि रिक्त है, जो हमें वहां पे फिल करना है. वहां पे कौन सा वोवेल्स आएगा? अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला वोवेल्स आएगा. कौन सा आएगा? ई. जब हम यहाँ पे ई वोवेल्स लिखते हैं, तो ई वोवेल्स लिखने के बाद जो मीनिंगफुल वर्ड तैयार होते हैं, कौन से वर्ड तैयार होते हैं देखते हैं. पी ई एन, पी ई एन पेन. पेन यानी क्या होती है? कलम, जो हम
लिखने के लिए जिसका यूज करते हैं वह है पेन, कलम। और दूसरा मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है TEN, टेन, TEN, टेन, टेन यानी 10। आपके जो फिंगर्स है हैंड्स के कितने हैं? 10 है ना, 10 है ना, हाँ उसी तरह से TEN, टेन, यह एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार हुआ है। अभी जाते हैं दूसरे स्क्वायर के पास। दूसरे स्क्वायर में क्या लिखना है? वहां लिखना है आई। जो ब्लैंक स्क्वायर है उसमें क्या लिखना है? आई। आई लिखने के बाद वहां पे मीनिंगफुल वर्ड तैयार होंगे। कौन से वर्ड तैयार होंगे? एफ आई एन, एफ आई एन, फिन। फिन यानी क्या होता है? मछली का पर। जो स्टैंडिंग लाइन से फिन वर्ड तैयार हुआ है, फिन मीन्स मछली का पर। और स्लीपिंग लाइन में जो वर्ड्स है वो कौन सा तैयार हुआ है? बी आई एन, बीन, बी आई एन, बीन। बीन यानी होता है डिब्बा, जो आपके घरों में रहता है और कुछ आप उसमें सामान रखते हो वो क्या है? डिब्बा, बी आई एन, बीन। तरीके से यहाँ से दो वर्ड बने हुए, एफ आई एन, फिन, बी आई एन, बीन। अभी देखते हैं थर्ड ब्लैंक स्क्वायर। थर्ड ब्लैंक स्क्वायर में हम लिखेंगे कौन सा वॉवल्स लिखेंगे उसमें? थर्ड नंबर का। क्वेश्चन टू में थर्ड नंबर में कौन सा है? ओ। यहाँ पे लिखेंगे हम ओ, यह वॉवल। ओ वॉवल लिखने से स्टैंडिंग लाइन में जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट के साथ एक वर्ड बनेगा, बी ओ आई, बॉय। बॉय ने क्या होता है? लड़का। बॉय ने क्या होता है? लड़का। और स्लीपिंग अल्फाबेट्स कौन से है? सी ओ डब्लू, काओ। सी ओ डब्लू, काओ ने क्या होता है? काओ ने गाय होती हैं। तो यहाँ पे भी दो वर्ड्स बने हुए हैं, कौन सा? बी ओ वाई, बॉय, बॉय ने लड़का, और सी ओ डब्लू, काओ, काओ ने गाय। इसका प्रोनाउंस करते समय क्या बोलना पड़ेगा हमें? बी ओ वाई, बॉय, और सी ओ डब्लू, काओ। एने प्रोनाउंस करते समय हमें बी के साथ ओ का उच्चारण आता है और सी के साथ भी ओ का उच्चारण आता है। जैसे पहला है बी ओ आई, बॉय, बी के साथ ओ का उच्चारण लगता है, बॉय। और सी ओ डब्लू, काओ, काओ के साथ भी काओ, सी के साथ ओ का उच्चारण निकलता है, सी ओ डब्लू, काओ। अब हम देखते हैं नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ नंबर का स्क्वायर। फोर्थ नंबर स्क्वायर में अभी बचा हुआ क्या है? यू। क्या बचा हुआ है? यू। अभी हम यहां लिखेंगे यू और अभी बनाएंगे मीनिंगफुल वर्ड। तो स्टैंडिंग लाइन में कौन कौन से अल्फाबेट है? डी ई, सॉरी डी यू एन, डी यू एन, डन, डी यू एन, डन। डन ने धुंधला काला रंग। और दूसरा स्लीपिंग अल्फाबेट के साथ बनता है वर्ड्स, पी यू एन, पन, पी यू एन, पन। पन यानी क्या होता है? यमक। इस तरीके से यहाँ पर दो मीनिंगफुल वर्ड्स तैयार हुए हैं, डन और पन। कौन सा वर्ड बने हैं? डन और पन। इस तरीके से क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू के सहायता से हमने वर्ड्स तैयार किए हैं। क्वेश्चन वन में बने वर्ड्स है बी ए जी बैग, सी ए टी कैट, जे एम जाम, एफ ए टी फैट। क्वेश्चन टू से कौन कौन से वर्ड बने हैं? पी ई एन पेन, टी ई एन टेन, F I N फिन, B I N बीन, B O Y बॉय, C O W काउ, T U N डन, P U N पन। इस तरीके से क्वेश्चन टू और क्वेश्चन वन फिनिश होता है। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉपी द अबव वर्ड इन योर वर्ड फाइल। एने हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ड अभी आपने जो तैयार किए हैं, जो तैयार किए हैं, कितने वर्ड्स तैयार किए हैं? 12 वर्ड्स तैयार किए हैं। उन 12 वर्ड्स को आप एक फाइल में लिखिए, यानी फाइल में कॉपी कीजिए। कौन कौन से वर्ड बने हैं? पहला है बैग,
कैट, जाम, फैट, पेन, टेन, फिन, बीन, बॉय, काउ, डन, पन। इस वर्ल्ड को आपको फाइल में तैयार करना है और वर्ल्ड फाइल तैयार करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड द वर्ड्स एंड जॉइन ईच वन टू इट्स स्टैंडिंग साउंड। यानी शब्दों को पढ़ो और प्रत्येक को इसकी शुरुआती ध्वनि से दिए गए शब्द से जोड़ो। जैसे यहाँ पे दो ग्रुप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप जो कि लेफ्ट साइड में है उसे पढ़ते हैं। वी ए एस ई वास, एच ओ यू एस ई हाउस, डी यू सी के डक, वाई ई डबल एल एल, आर ओ पी ई रोप, टी आर डबल ई ट्री। फर्स्ट ग्रुप में 6 वर्ड दिए हुए हैं और जो कि सेकंड ग्रुप है उस सेकंड ग्रुप में भी 6 वर्ड दिए हुए हैं। कौन से वर्ड दिए हुए हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। एच ए टी हैट, डी ओ डबल एल डॉल, वी ए एन वैन, टी ए पी टैप, वाई ओ एल के वॉल्क, आर आई एन जी रिंग। इस तरीके से 6 वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड वी ए एस ई वस। यानी यहाँ पे इस वर्ड की शुरुआत वी से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे पहला वर्ड जो कि ज्वाइन किया हुआ है वी ए एन फैन से। यानी पहला वर्ड वी से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे उसका जो पेयर देखा गया है वह भी वी से स्टार्ट हुआ है वी ए एन फैन। इस तरीके से हमें क्या करना है पहला साउंड को दूसरे ग्रुप के उसी तरह के साउंड के साथ क्या करना है मैच करना है। यहाँ से व से स्टार्ट होता है वास और यहाँ से व से स्टार्ट होता है वैन। अभी देखते हैं दूसरा वर्ड एच ओ यू एस सी हाउस। हाउस यानी एस से स्टार्ट हुआ है। अभी एस से स्टार्ट होने वाला दूसरे ग्रुप में कौन सा वर्ड है हाँ ये है ये मिला एच ए टी हैट। एच ए टी हैट इसे हम अभी ऐसे जोड़ते हैं। एच ए टी हैट हाउस के साथ जोड़ दिया गया है ज्वाइन किया हुआ है। अभी थर्ड नंबर पे कौन सा है डी यू सी के डक यानी डी से स्टार्ट हुआ है डी यू सी के डक। अभी यहाँ से डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स है डी ओ डबल एल डॉल। डक और डॉल को ज्वाइन करना है। फिर नंबर थर्ड पे फोर्थ पे है एल वाई ई डबल एल एल यानी वाई से स्टार्ट होने वाला दूसरा वर्ड कहाँ पे है दूसरे ग्रुप में हाँ ये यहाँ पे मिला वाई ओ एल के वॉल्क। यानी इन दोनों वर्ड्स को हमें एरो से जोड़ना है वाई ई डबल एल एल और वाई ओ एल के योल्क। फिर नंबर 5 में है आर ओ पी ई रोप। आर ओ पी ई रोप यानी आज से स्टार्ट होने वाला वर्ड। अभी यहाँ पे ढूंढते हैं आज से स्टार्ट होने वाला वर्ड हाँ ये मिला आर आई एन जी रिंग। रोप रिंग से जोड़ा जाएगा। और लास्ट में क्या बचा है टी आर डबल ई ट्री। ट्री को हम जोड़ेंगे टी वाले वर्ड से। टी से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है टी ए पी टैप यानी ट्री टैप से ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक ग्रुप की ध्वनि को दूसरे ग्रुप की ध्वनि से ज्वाइन किया है। इस तरीके से आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो इस लेसन को फिर से देखिए। हमने यहाँ पे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और बाजू में उसका मीनिंग भी दिया हुआ है यानी बच्चे को पढ़ने के लिए भी ये सहायता प्रदान करेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।